मोहतरमा सजल अली एजाज़ तमगा इम्तियाज़ शोबा फ़न अदाकारी। मोहतरमा सजल अली एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हैं। आपने मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आपकी सलाहियतों का एतराफ़ बैन अल-अक़वामी सतह पर भी किया जाता है। पाक भारत तनाज़ा Z5 की खसूसी वेब सीरीज़ धूप की दीवार में आपकी कारकर्दगी खसूसन अमन की वकालत को बहुत सराहा गया। 2021 में आपने ड्रामों और फिल्मों में अपने काम के लिए साल की बेहतरीन कारकर्दगी का फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अवार्ड जीता। फन अदाकारी के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा सजल अली को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, सजल अली को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और ये खबर बिल्कुल बिल्कुल सच्ची है। आप देख सकते हैं कि सजल अली ने गवर्नर पंजाब से तमगा इम्तियाज़ रिसीव किया है और ये अभी की उनके पिक्चर्स हैं। PTV की आने वाली लाइव नशरियात के मुताबिक 23 मार्च 2024 को हमारी प्यारी सी एक्ट्रेस सजल अली ने तमगा इम्तियाज़ को वसूल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को प्राउड फील करवाया है और नो डाउट वो इस चीज़ को डिज़र्व भी करती थी। उनकी बहन सबूर अली भी मौके पर मौजूद थी, जो उनकी वीडियो बनाती हुई नज़र आ रही हैं और उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपनी बहन की अवार्ड रिसीव करते हुए पिक्चर्स लगाई हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। इसके अलावा इंडिया की एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने भी सजल अली के बारे में कहा है कि वो अवार्ड पर वेल डिज़र्व करती थी। इसके अलावा हमारी एक्ट्रेसेस अयमन खान और नादिया हुसैन ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है और अभी जैसे जैसे ये खबर आग की तरह फैलेगी यकीनन और भी मुबारकबादें सामने आएंगी। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।